हेलो स्टूडेंट्स। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, प्रीवियस टॉपिक में हमने देखा था बेसिक कंसेप्ट ऑफ ओओपी। जो ओओपी के बेसिक कंसेप्ट थे वो हमने देखे थे। अब जो हमारा उसके बाद का टॉपिक है बेनिफिट्स ऑफ ओओपी, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के क्या क्या बेनिफिट्स हैं, क्या फायदे हैं ओओपी के। ओके, ओओपी प्रोवाइड्स वेरियस बेनिफिट्स टू द प्रोग्रामर विच आर एस फॉलोस। अगर उसके बेनिफिट्स हम देखें तो उसमें सबसे पहले है, थ्रू इनहेरिटेंस वी कैन यूज द कंसेप्ट ऑफ रीयूजेबिलिटी। अगर आप अपना प्रीवियस वीडियो रिकॉल करोगे, प्रीवियस पीछे वाला वीडियो अगर आप याद करो, तो उसमें हमने जो उसका बेसिक कंसेप्ट है इनहेरिटेंस, इनहेरिटेंस का क्या मतलब था, रीयूजेबिलिटी, किसी भी चीज को अगेन वापस से यूज करना। तो इनहेरिटेंस की वजह से हमें क्या होता है बेनिफिट, कि हम किसी भी कोड को एक से ज्यादा बार यूज कर सकते हैं। उसके लिए हमें वही का वही कोड वापस लिखना नहीं पड़ेगा, सिर्फ हमें उसको इनहेरिट करने का है। तो वो उसका पहला बेनिफिट है कि इनहेरिटेंस का यूज करके आप कोड को रीयूज कर सकते हो। सेकेंड पॉइंट, वी विल डेवलप द प्रोग्रामर्स विच आर डिवाइडेड इंटू मॉड्यूल्स विच सेव्स अवर टाइम। अब क्या होगा, हम जो वी विल डेवलप द प्रोग्रामर्स, प्रोग्राम्स जो अलग अलग जो हम प्रोग्राम्स बनाएंगे उसको हम अलग अलग मॉड्यूल्स में डिवाइड कर देंगे, जिससे कि क्या होगा कि हमारा टाइम बच जाएगा। किसी भी मॉड्यूल को आप डिवाइड करके अलग अलग मॉड्यूल्स में प्रोग्राम को जनरेट कर सकते हो, बना सकते हो, डेवलप कर सकते हो। थर्ड जो बेनिफिट है, द प्रिंसिपल ऑफ डेटा हाइडिंग यूज अस द सिक्योरिटी ऑफ डेटा। जो डेटा हाइडिंग का कंसेप्ट है ओओपी का, उससे क्या होगा, जो हमारे डेटा की सिक्योरिटी है, क्योंकि डेटा अगर हाइड हो जाएगा उससे क्या होगा कि चांसेस ऑफ एरर बहुत कम होगी, जिससे क्या होगा और हमारा डेटा है वो सिक्योर हो जाएगा। अगर किसी भी चीज को आप छिपा के रखते हो तो उससे क्या वो सिक्योर हो जाती है। ऐसे ही हमें जो ओओपी का कंसेप्ट है उसमें जो डेटा हाइडिंग है उसमें क्या होता है, जो आपका डेटा है वो क्लास के बाहर एक्सेस नहीं हो सकता, ना ही वो फ्रीली मूव कर सकता है, जिससे क्या होगा कि आपका डेटा ज्यादा सिक्योर रहेगा। ऑपरेटर, नेक्स्ट पॉइंट, ऑपरेटर ओवरलोडिंग एंड फंक्शन ओवरलोडिंग गिव्स अस मल्टीपल थिंग फ्रॉम वन ऑब्जेक्ट। अगर आप देखोगे जो उसका कंसेप्ट है ओओपी का, उसमें ऑपरेटर ओवरलोडिंग और फंक्शन ओवरलोडिंग दोनों है। अगर आप ऑपरेटर ओवरलोडिंग और फंक्शन ओवरलोडिंग का यूज करते हो, उससे क्या हो जाएगा कि किसी भी एक चीज का, किसी भी एक ऑब्जेक्ट का एक से ज्यादा, मतलब एक से ज्यादा यूज आप कर सकते हो, मल्टीपल यूज। जैसे हमने कंसेप्ट उसमें देखा था कंसेप्ट में, कि अगर आप प्लस की साइन दो इंटीजर वेरिएबल में यूज करो तो वो हम दोनों उन दोनों का हमें एडिशन देगी। वही प्लस की साइन अगर आप स्ट्रिंग टाइप ऑफ वेरिएबल के बीच करते हो तो वो हमें दोनों स्ट्रिंग को कॉनकेट जॉइन करके देती है। तो ये क्या हुआ आपका, एक ही चीज का मल्टीपल यूज आप कर सकते हो। ये एडवांटेज है ओओपी का, ये चीज आप सी में नहीं कर सकते हो। अगर आप प्लस की साइन दो इंटीजर में करो तो आपको एडिशन दे डिस्प्ले करेगी, एडिशन करके देगी, पर वही चीज अगर प्लस आप दो स्ट्रिंग वेरिएबल पे करते हो
तो वो पॉसिबल नहीं है, उसके लिए आपको C++ मींस OOP का कंसेप्ट है, ऑपरेटर ओवरलोडिंग, उसका यूज करना पड़ता है। नेक्स्ट जो हमारा बेनिफिट है, इट इज इजी टू मेक द पार्टीशन ऑफ द वर्क। अगर आप C++ मींस OOP का कंसेप्ट देखो तो आपका जो पूरा प्रोग्राम बड़ा होगा उसको आप अलग अलग पार्ट में इजीली डिवाइड कर सकते हो एज कंपेयर टू POP लैंग्वेजेस। ओके, सिक्स्थ पॉइंट जो बेनिफिट है आपका, OOP कैन बी इजीली अपग्रेडेड टू लार्ज सिस्टम फ्रॉम स्मॉल सिस्टम। अगर मान लो आपने POP लैंग्वेज में कोई एप्लीकेशन बनाई है और इन फ्यूचर आपको उसको अपग्रेड करना है तो वो एक मुश्किल काम है। उसकी जगह अगर आप OOP लैंग्वेज OOP का यूज करके कोई ऐप आपने बनाई हुई है एप्लीकेशन, उसको आपको अपग्रेड करना है तो वो स्मॉल सिस्टम से लार्ज सिस्टम बनानी है तो वो आप इजीली कर सकते हो। ओके, लास्ट बेनिफिट, इन OOP वी कैन डेवलप एनी कॉम्प्लेक्स सॉफ्टवेयर। आपको कोई भी मुश्किल सॉफ्टवेयर, कॉम्प्लेक्स सॉफ्टवेयर भी डेवलप करना है तो वो OOP में इजीली हो जाएगा। तो ये है हमारे बेनिफिट्स, एडवांटेजेस ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट जो आपका टॉपिक है वो है एप्लीकेशन ऑफ OOP, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग हैज मैनी एडवांटेजेस ओवर प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। अगर आप देखोगे OOP जो लैंग्वेजेस है उसकी एडवांटेजेस बहुत ज्यादा हैं POP लैंग्वेजेस के कंपेयर में, एंड दैट इज व्हाई इट इज एडॉप्टेड इन वैरायटी ऑफ एरिया ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। और उसकी वजह से क्या है, जो एडवांटेजेस OOP के हैं, ज्यादातर जो एरियाज हैं ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के, उनमें अब OOP के कंसेप्ट यूज होते हैं एज कंपेयर टू POP। ओके, फॉलोइंग आर द एरियाज वेयर OOP कैन प्ले अ ग्रेट रोल। कौन से एरियाज हैं जहां पे OOP ग्रेटर रोल फॉलो कर रहा है, ग्रेटर रोल निभा रहा है। ठीक है, तो उसमें पहला है डेटाबेस, लो लेवल रूटीन्स, फंक्शनैलिटी ऑफ ऑल लीडिंग RDBMS आर डेवलप्ड इन C++। अगर आप डेटाबेस को देखें तो उसके रूटीन्स लो लेवल रूटीन्स हैं, और उसकी जो फंक्शनैलिटी, जो हम RDBMS रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम्स जो डेटाबेसेस है मोस्टली, वो सब C++ में डेवलप की गई है। ग्राफिक्स ग्राफिक्स हैव चेंज एंटायर अपीयरेंस ऑफ कंप्यूटर इन लास्ट डिकेड। पिछले कुछ वक्त से आप देखोगे तो कंप्यूटर सिस्टम में ग्राफिक्स का बहुत बड़ा रोल होता है, बहुत ज्यादा रोल हो गया है कि आपका ग्राफिक्स बहुत अट्रैक्टिव होना चाहिए। बिहाइंड दिस वेरी गुड आई कैचिंग अपीयरेंस देयर इज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। अगर आपको जितना अच्छा ग्राफिक्स जनरेट करना है, ग्राफिक्स बनाना है, तो उसके लिए आपको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का यूज करना पड़ता है। अगर आप POP में देखोगे तो आपको इतना अच्छा ग्राफिक्स डेवलप नहीं कर सकते हो जितना OOP की वजह से होगा। रियल टाइम एप्लीकेशन, नेक्स्ट जो हमारा एप्लीकेशन है कहाँ पे OOP यूज होता है, तो वो है रियल टाइम एप्लीकेशन। रिस्पॉन्स टाइम इज द की फैक्टर इन रियल टाइम एप्लीकेशन।
अगर आप रियल टाइम एप्लीकेशन बनाते हो तो उसमें सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर है, सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज है वो है रिस्पॉन्स टाइम। ठीक है, सी प्लस प्लस हैज अ वेरी गुड अबाउट 70% मार्केट शेयर इन एरिया ऑफ रियल टाइम एप्लीकेशंस। जो रियल टाइम एप्लीकेशंस अभी मार्केट में होती है उसमें सी प्लस प्लस मोर देन और अबाउट 70% मार्केट शेयर है, जिसमें 70% जो एप्लीकेशंस बनाई जाती है वो ओपी और सी प्लस प्लस में डेवलप की गई है। मैज्योरिटी ऑफ सिक्योरिटी सिस्टम्स, मिशन क्रिटिकल सिस्टम्स फॉल इन दिस कैटेगरी। अगर आप रियल टाइम एप्लीकेशन देखो तो जैसे कि हमारी सिक्योरिटी सिस्टम है, फॉर एग्जाम्पल हम मिसाइल फायर करते हैं और रॉकेट लॉन्चिंग करते हैं, उसमें एक एक सेकंड से बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। अगर आपने ऐप कोई बनाई है पीओपी में, प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में, तो उसका रिस्पांस ओपी के कंपेयर में बहुत कम है। अगर एग्जांपल देखोगे कि मैंने यहाँ से कमांड दिया, आपने ऐप बनाई है टू लॉन्च रॉकेट, आप फायर कर दो और उसके बाद उसका टाइम चला जाए और उसके बाद आपकी सिस्टम उस मैसेज को पास करे, तो उससे बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। ठीक है, तो ये सब जो रियल टाइम एप्लीकेशन है वहां पे रिस्पॉन्स टाइम बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। जैसे ही आपको आपने कमांड दिया उसी टाइम उसको रिएक्ट एक्शन लेना पड़ता है। तो जो रियल टाइम एप्लीकेशंस है उसमें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप ओओपी का कंसेप्ट यूज करो। एम्बेडेड प्रोग्रामिंग इन रियल लाइफ वी यूज टीवी, रेफ्रिजरेटर, कार वॉशिंग मशीन, ओवन एक्सेट्रा विच आर एग्जाम्पल ऑफ एम्बेडेड प्रोग्रामिंग इज प्रोडक्ट ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। एम्बेडेड प्रोग्रामिंग मतलब क्या? जैसे आप देखोगे टीवी, उसके अंदर सर्किट है, रेफ्रिजरेटर सर्किट है, कार वॉशिंग, कार वॉशिंग मशीन, और इन सब में जो मशीन्स हैं, ओवन है, तो सर्किट की जो एम्बेडेड जो उसपे चिप फिट की हुई होती है सर्किट, उसका जो प्रोग्रामिंग है उसको बोलते हैं एम्बेडेड प्रोग्रामिंग। तो वो जो है वो भी ओपी की ही देन है। उसकी वजह से आप इजीली कोई भी एम्बेडेड प्रोग्रामिंग इजीली कर सकते हो ओपी का कंसेप्ट यूज करके। तो ये थे हमारे एप्लीकेशंस ऑफ ओपी, जिसमें डेटाबेस, ग्राफिक्स, रियल टाइम एप्लीकेशन, एम्बेडेड प्रोग्रामिंग, और उसके बाद है नेक्स्ट वेब बेस्ड एप्लीकेशन। इफ वी फोकस ऑन वेब बेस्ड प्रोग्रामिंग, देयर आर सी प्लस प्लस, जावा, डॉट नेट, पीएचपी, देन ऑल सपोर्ट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अगर आप देखोगे ओपी तो ये जो लैंग्वेजेस हैं, सी प्लस प्लस है, जावा है, डॉट नेट है, पीएचपी है, ये सब ओओपी को सपोर्ट करते हैं, ये सब ओपी लैंग्वेजेस हैं। मोबाइल एप्लीकेशन, फॉर मोबाइल प्रोग्रामिंग वी हैव टू लैंग्वेजेस अवेलेबल इन मार्केट। दिस लैंग्वेजेस आर सी प्लस प्लस एंड जे टू एम ई विच आर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेजेस। ये जो मोबाइल प्रोग्रामिंग होता है उसके लिए अब मार्केट में सी प्लस प्लस है, जे टू एम ई जो ओल्डर वर्जन है, पुराना है, अब तो आप एंड्रॉयड एंड्रॉयड जो देखते हो मोबाइल ऐप वो सब ओपी का कंसेप्ट यूज करते हैं। क्लस्टर प्रोग्रामिंग, इन क्लस्टर अ लोड ऑफ बिग प्रोसेस इज शेयर्ड अमंग सेट ऑफ प्रोसेसर्स। दिस लोड शेयरिंग इज डन थ्रू सी प्लस प्लस। क्लस्टर्ड प्रोग्रामिंग, क्लस्टर प्रोग्रामिंग में क्या होता है कि जो आपका लोड होता है प्रोसेसर, बहुत बड़ा प्रोसेसर हो
अगर उसका लोड है वो आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है अलग अलग प्रोसेसर में, तो उसका जो कोडिंग प्रोग्रामिंग है ठीक है, उसके लिए भी आपको ओपी के कंसेप्ट यूज करने पड़ते हैं, जिससे कि वो इजीली मैनेज हो सके। AI एंड एक्सपर्ट सिस्टम, AI मींस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड एक्सपर्ट सिस्टम, डिसीजन लॉजिक इज डन इन C++। जो AI और एक्सपर्ट सिस्टम है उसको डेवलप करने के लिए भी हमें ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस का यूज करना पड़ता है। ओके, लास्ट CAD एंड CAM सिस्टम। CAD मतलब कंप्यूटर एडेड डिजाइन एंड CAM मतलब कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम्स। अब ये जो सिस्टम है CAD और CAM, इनको डेवलप करने के लिए भी हमें C++ या फिर किसी और OOP प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की जरूरत पड़ती है। तो ये अलग अलग एरियाज हैं, अलग अलग एप्लीकेशंस ऑफ ओपी के एरियासिस हैं जो हमने देखे, ठीक है। बेनिफिट्स ऑफ ओपी एंड एप्लीकेशंस ऑफ ओपी, ये दो टॉपिक हमने देखे हैं। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे के टॉपिक्स देखेंगे। थैंक यू।